कोरा मार्केटिंग के अंडर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंडिंग क्वेश्चंस दैट आर हॉट। बेसिकली आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भी ये क्वेश्चन आंसर करना है या नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। आपका पर्पज है क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ उससे आप भी एक वैल्यू जनरेट करें, ट्रैफिक जनरेट करें अपनी वेबसाइट के लिए। तो कैसे करते हैं, ये बड़ी एक सीक्रेट टिप है जो मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, अपने कोरा अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जब आप कोरा लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। यहाँ हम ऑलरेडी अपने प्रोफाइल में हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नोज अबाउट वाला सेक्शन है, यहाँ पर जो आपके एक्सपर्ट एरियाज हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो एक्सपर्ट एरिया जब दिखाई दे रहे होंगे, वेट अ मिनट, एक बार यहाँ भी मैं खोल देता हूँ। तो आप जिस किसी भी टॉपिक के ऊपर आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से गूगल एड्स के ऊपर आप देखना चाहते हैं। अब देखिए, हमने पहले डाला था फेसबुक एड्स, तो फेसबुक एड्स भी आ गया, राइट। तो जिस भी टॉपिक के ऊपर आप देखना चाहते हैं कि भी इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक तो हेल्प करेगा अपने ब्लॉग्स बनाने में। आप उसी से रिलेटेड ब्लॉग्स बना सकते हैं, नंबर वन, क्योंकि लोग अगर उसको सर्च कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट भी आ जाएगी अगर आपका आंसर अच्छा है। नंबर टू, आप उसी को यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाने में, क्योंकि अगर टॉप आंसर है और लोग यहाँ पर ढूंढ के आ रहे हैं तो यूट्यूब तो ऑब्वियसली पहले आएगा गूगल के सर्च रिजल्ट में, गूगल की अपना प्रोडक्ट है। तो आपको सिर्फ यही आइडिया नहीं मिलता कि आप यहाँ पर आंसर करें, बट आप अपनी वेबसाइट पर भी यूट्यूब के थ्रू भी उसको लेवरेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, लेट्स सी। तो आपका जो भी टॉपिक है यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम फेसबुक एड्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी ये खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है मोस्ट व्यूड राइटर। वैसे तो यहाँ पर रीड में हम जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए अलग अलग क्वेश्चन है जो दिख जाएंगे, ये 3 घंटे पहले लेटेस्ट है ये, राइट। बट इसके अलावा जो हमें करना क्या है, हमें जाना है मोस्ट व्यूड राइटर्स पर। यहां जाने के बाद अभी जिन राइटर्स के आंसर सबसे ज्यादा देखे गए हैं वो भी खुल जाएंगे। लेट्स वेट, थोड़ा सा ये साइट स्लो है आज, रिस्पॉन्ड बेटर नहीं कर रही है। देखिए ये खुल गया। तो डेविड मोटास सबसे ज्यादा इनके आंसर व्यूड हैं, लगभग 7,500 व्यूज हैं। एक बार हम जरा गूगल एड्स भी खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको काफी कम दिखाई दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग भी खोल लेते हैं, यहां तो सिर्फ 7,500 है। हालांकि 7,500 इज ऑल्सो नॉट बैड। अभी हम देखेंगे कि कैसे देखना है कि किस क्वेश्चन को आंसर करें। और अब हमने खोला गूगल एड्स, गूगल एड्स में देखते हैं मोस्ट व्यूड राइटर। एंड देन डिजिटल मार्केटिंग में मोस्ट व्यूड राइटर जो हमने यहां पर बेसिकली फेसबुक एड्स के सेक्शन में किया था, मोस्ट व्यूड राइटर। और देखिए इसको 3.5 लाख लोग लगभग फॉलो करते हैं, वही हमने डिजिटल मार्केटिंग में किया है, इसको तो लगभग 21 लाख लोग फॉलो करते हैं। एंड देन गूगल एड्स के केस में भी है कि 3.25 लाख लोग फॉलो करते हैं। अब यहां देखिए, ये एक पर्सन है अल्बर्ट सोम्बलिथ, इन्होंने सिर्फ 7 आंसर किए और इनके आंसर के 74,000 से ज्यादा व्यूज हैं। अब आपको करना क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में भी हम देख रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है। करना क्या है आपको, ये जो पर्सन है पहले इनके प्रोफाइल यहां पर क्लिक करना है, राइट, क्योंकि इनके आंसर सबसे ज्यादा व्यूज हो रहे हैं। तो भाई देखते हैं क्या ऐसा क्वेश्चन था जो इन्होंने पिक किया है या क्या ऐसा आंसर किया है। अब यहां जाने के बाद ये हमें मोस्ट रीसेंट दिख रहा है, मोस्ट रीसेंट भी हम देख सकते हैं, ऑल टाइम भी देख सकते हैं। और एक बार जो हम यहां वापस जाते हैं जरा, तो ये भी लोड हो रहा है, ये वाला हमारा लोड हो चुका है। यहां देखिए विवेक रमण, इस बंदे ने लगभग 1 लाख व्यूज जनरेट किए हैं सिर्फ 8 आंसर देकर। तो उसके आंसर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं, आपको पता चलेगा है क्या। यानी कि अगर इस 1 लाख लोगों का, वेट अ मिनट, ये लोड हो गया, इसको देखते हैं, इसको भी क्लिक कर देते हैं। यहां देखिए 7 आंसर, मोस्ट रीसेंट, ऑल टाइम व्यूज। तो जैसे इनका ये आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, बेसिकली इतने ही आंसर इन्होंने किए इस टॉपिक से रिलेटेड, अल्बर्ट सोम्बलिथ। अब देखते हैं, पहला ये खोलते हैं इस क्वेश्चन को, जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, हमें यहां पर बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं। ध्यान से देखिए आप एक एक करके, ये क्वेश्चन है और इसको आंसर किया है
एक इस पर्सन ने किया है, इन जनाब ने, एक इन्होंने किया है, अल्बर्ट सोमलेथ, और एक इन्होंने किया है। अब यहां हम देखते हैं नीचे एक एक करके, जैसे सोरेन रायहर्ड, इन्होंने किया है। जब हम नीचे आएंगे सबसे क्वेश्चन के, तो यहां हमें दिखाई देंगे कि इस क्वेश्चन इनको 2003 मतलब 2.3K विच मीन्स कि लगभग 2300 लोगों ने इनका आंसर देखा है। और ये होता है अपवोट। अपवोट करने का मतलब होता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ भी ये आंसर ठीक है यार, मुझे अच्छा लगा। इसके बाद इन्होंने जो लिखा है उसको 1400 व्यूज मिले, दो लोगों ने अपवोट किया है। वेरस जो इस बंदे ने लिखा अल्बर्ट सोमलेथ में, देखिए इसने लिंक भी दिया यहाँ पर बड़े स्मार्ट तरीके से, इमेजेस भी यूज किए हैं, यहाँ भी इमेजेस यूज किए हैं, इसके आंसर को 322,800 व्यूज मिले हैं। आप इमेजिन करिए कि इन 366 लोगों ने अपवोट किया है, राइट, दो लोगों ने शेयर भी किया और दो लोगों ने कमेंट भी किया है, यानी इतनी इंगेजमेंट मिली है। और अगर इस वेबसाइट को इसका 10% यानी कि सिर्फ 32,000 व्यूज भी मिले, तो इस वेबसाइट के लिए तो इतनी पॉपुलैरिटी फ्री में मिल गई, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन हमें बताए। प्लस हमें यह भी दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनको 66 अपवोट मिले हैं और जो बाकी जो बंदे हैं उनको 2 और 6 मिले हैं। अगर हम थोड़े से मतलब अपवोट से डिसाइड होता है कि आप ऊपर आपका आंसर दिखाया जाएगा या नीचे, तो आप भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, हॉट आंसर है। साथ के साथ ये यहाँ पर 3 डॉट्स दिए हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे व्यू स्टैट्स एंड लॉग, यहाँ हमें पता चलेगा कि ये आंसर कितनी बार देखा गया है। तो देखिए 328,000 व्यूज हैं इस आंसर के, ये जो क्वेश्चन है, आंसर नहीं सॉरी, ये जो क्वेश्चन है इसको लगभग 3.25 लाख लोगों ने देखा है, राइट। तो आप क्या करेंगे, हम बहुत ही स्मार्टली इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, हम यहां पर कर देंगे आंसर लेटर, तो हमारी ये आंसर लेटर लिस्ट में ऐड हो गया, इसको हम कर देंगे क्रॉस। आगे हम जाएंगे दूसरे टॉपिक पे जो हम जा रहे थे यहां पर, यहां हम देखते हैं कि व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग द मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन 2020, इस क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के स्टैटिस्टिक्स। और पहले तो टॉप देख लेते हैं, इनको 26 अपवोट मिले हैं इस पर्सन को, और ये देखिए 42,500 व्यूज मिले हैं। मतलब अगर 10% 4,000 लोगों ने भी जाकर कोर्स ज्वाइन कर लिया, इनका तो भला हो गया। तो ये एक तरीका है। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे व्यू स्टैट्स एंड लॉग में, देखते हैं यहाँ पर कितने व्यू मिले हैं इस क्वेश्चन को। तो जो मोस्ट व्यूड क्वेश्चन है, जो हॉट क्वेश्चन है आपके टॉपिक से रिलेटेड, आप वो 10-15-20 क्वेश्चन पकड़ लीजिए, आपकी आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा बहुत ईजीली। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर आंसर लेटर, और इसकी लॉग यहाँ पर अभी लोड हो रही है, जिससे हमें पता चल जाएगा कितने लोगों ने इसको देखा है, राइट। कुछ टैब जब तक क्लोज कर देते हैं, लोड हो रही है, ये हो गया। तो 43,200 लोगों ने देखा है, राइट, तो उसको हमने आंसर लेटर में मार्क कर लिया। अब हम इन सबको क्लोज कर देते हैं, आपको आइडिया पता चल गया। ऐसे करके आप अपनी लिस्ट बनाते चले जाएंगे, अपने क्रेडेंशियल, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें आप आंसर करना चाहते हैं, आप उनसे रिलेटेड एक लिस्ट बना लेंगे कि भैया ये 20 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन है, आप कंटिन्यूस कर सकते हैं विद टाइम। तो होगा क्या, अल्टीमेटली आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा, और ये सबसे इजी तरीका है राइट क्वेश्चन को डिसाइड करने का। बाकी इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहें तो हमें रीच आउट कर सकते हैं। ऑल राइट।